मुझे uh, 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 समझने में देर नहीं लगे समझ गया कि मतलब पॉलिटिक्स में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर झूठ प्रपंच छल कपट ये सब है नहीं और पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इसकी जरूरत है बाकी बहुत चीजें हैं और पॉलिटिक्स में नेता लोग जितना मेहनत करते हैं जितना त्याग है जितनी सेवा की भावना है जितना समर्पण है उनमें और जितनी देश करने की उत्कट अभिलाषा है उतना शायद में नहीं है हमको श्लोक बोलने में पढ़ने में उसका अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं गीता पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं तो ये सारी चीजें जितने भी हमारे जो सनातन साहित्य है वो सनातन साहित्य से मेरा एक जुड़ाव हो गया था हम पूरी तरह से बान प्रस्थी हो गए हैं मतलब बांध प्रस्थी का मतलब हुआ कि ग्रहस्थ जीवन के सारे उत्तरदायित्वों से हम अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं अब मेरा कोई भी सांसारिक उत्तरदायित्व तो नहीं है कायदे से तो पचहत्तर साल तक बांध प्रस्थित में रहने के बाद संन्यास लेना चाहिए लेकिन मेरी स्थिति में इतना लंबा नहीं जाएगा हो तो सकता है कि पांच साल के अंदर मैं पूरी तरह से मौन होकर के हिमालय में जाकर के गुप्त हो जाऊंगा देखो रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं मैं इसको पूरा देश सुनेगा कि ये जो सोशल मीडिया है इंटरव्यू देना है अपना प्रचार करना है घूम-घूम भुं करके पूरी दुनिया में कथा करना है ये भी रजोगुणी काम है हेलो एवरीवन दिस इज पल्लवी एंड यू आर वाचिंग इंडियन मास्टरमाइंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट टुडे हु सर्वड एज़ द डीजीपी ऑफ बिहार ट्राइड हिज हैंड्स इन पॉलिटिक्स एंड हैज फाइनली चूज्ड स्पिरिचुअलिटी ओवर एवरीथिंग एल्स To find peace in God. The saffron robe wearing sannyasi has become a globe-trotting preacher, spreading the message of God and peace across the world. Please welcome Mr. Gupteshwar Pandey. Sir, um, during during that time you took VRS to join politics or then you uh, what happened to you left.

पॉलिटिशियन uh, होना बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़े बड़े गुणों की आवश्यकता है मुझे लगा कि मैं टोटली totally अनफिट हूं उस सिस्टम में नहीं हो पाऊंगा मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया तो ये ठीक हुआ कि मुझे समझने में देर नहीं लगी मैं समझ गया कि मतलब पॉलिटिक्स में मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर झूठ प्रपंच छल कपट ये सब है नहीं और पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इसकी जरूरत है बाकी बहुत चीजें हैं और पॉलिटिक्स में नेता लोग जितना मेहनत करते हैं जितना त्याग है जितनी सेवा की भावना है, जितना समर्पण है उनमें और जितनी देश करने की उत्कट अभिलाषा है उतना शायद मुझ में नहीं है तो मुझे लगा कि मैं उतने गुण नहीं है मुझ में तो मैंने छोड़ दिया तो यू लर्निंग लाइक नहीं नहीं इट वॉजिंग एज ए पुलिस ऑफिसर आई अ वेरी बैड ऑफिसर अनसक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर मेरे जो शत्रु हैं हुई ये नहीं कह सकते कि एज ए पुलिस ऑफिसर हम फेल्योर रहे हैं.

तो हमने उस रोल को बढ़िया से किया पॉलिटिक ज्वाइन किया चार दिन पता चल गया कि मैं इसमें कभी भी नहीं सफल हो सकता तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया कहा मैं फेल्योर पॉलिटिशियन आई कैन नेवर सक्सेड इन पॉलिटिक्स आई रियलाइज दिस एंड आई क्विट मैं मुझे डिसीजन लेने देर नहीं लगती छोड़ दिया बचपन के संस्कार थे माला उठा लिया और ठाकुर जी का नाम लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा वही इसी पे आने वाली थी सर कि ये फिर मतलब जैसे पॉलिटिक्स छोड़ा उसके बाद आपने फिर से आई आई थिंक वीआरएस के बाद दोबारा जॉइन किया मतलब आईपीएस भी जॉइन किया और फिर स्पिरिट फिर आपने ये चूज किया टू बिकम मतलब सन्यासी तो स्पिरिचुअल पाथ यू चूज सो हाउ डिड दैट हैपन लाइक इट वाज इंस्टेंट कि अब हो गया सब कुछ ऐसा होता नहीं ऑल ऑफ सडन इट कैन नॉट हैपन You right. will never find not you will not find even a single example in the world. It doesn't happen all of a sudden. Right. It right. happens only because of your past comes, sanskara, past karma, which you have executed in this life or in past life. Past means uh, uh, the moment backwards. You can include your uh, you know past several lives in this. So whatever karma you have executed in this life or past life, all those karma club together. आध्यात्मिक और संस्कार है और स्वभाव तो वो संस्कार चित्त में रहता है बीज रूप में रहता है तो थोड़े ही ना कोई दुनिया में ऐसा होगा कि पैंतालीस साल पैंतीस साल ब्यूरोक्रेसी में रह करके डीजीपी चीफ सेक्रेटरी रह करके और पहले ही दिन बैठ जाएगा व्यास पीठ पर भागवत की कथा कर लेगा भागवत पढ़ने के लिए बीस साल टाइम चाहिए मिनिमम टेन टू एल्व ईयर थोड़े ही कोई भागवत तो वो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मैं सांख्य को बोलता हूँ मैं योग को बोलता हूँ वैशेषिक बोलता हूँ मैं मांसा को बोलता हूँ वेदांत को बोलता हूँ भागवत पुराण करता हूँ पुराण करता हूँ विष्णु पुराण करता हूँ वाल्मीकि मैं गीता पर बोलता हूँ कैसे कोई कर तो लेगा बताओ नौकरी छोड़ करके कर लेगा बीस साल पढ़ने में लगेगा तब भी नहीं होगा तो पूर्व जन्म के संस्कार और मेरी गुरु की कृपा और भगवान का आशीर्वाद अब मुझे बड़ा शांति बड़ा आनंद है इसमें और रजोगुणी लोग तो रहेंगे दुनिया में गाली देने वाले भी रहेंगे जिंदाबाद करने वाले भी रहेंगे जब माला उठा लिया तो हमें दोनों में से किसी की चिंता नहीं रहती कौन आलोचना कर रहा है कौन गाली दे रहा है कौन मेरा जिंदाबाद कर रहा है दोनों मेरे लिए रखते अब तो हे गोविंद तो जीवन हारे चौथापन है अब माला उठा लिया तो ठाकुर का नाम लेते लेते और जीवन में मुस्कुराहट बिखरते हुए और मोहब्बत का पैगाम देते हुए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा यही संदेश देते हुए जीवन को जीना है आपस में भारत समृद्ध बने मजबूत एक राष्ट्र बने आपस में प्रेम हो शांति हो सद्भाव हो भाईचारा हो आपस में तनाव नहीं हो लड़ाई नहीं हो झगड़ा नहीं हो और भारत एक बार फिर से गुरु बने इसीलिए काम करता हूं इसीलिए काम करता रहूंगा और इसके अलावा कुछ पूछना तो पूछो पल्लवी हाँ uh, सर एक इम्पॉर्टेंट uh, है वही कि जैसे आपने यू यू हैव सेट ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म कि किशोर आचार्य किशोर कुणाल वाज आल्सो एन आईपीएस ऑफिसर तो उनकी वजह से मतलब ही वाज लुक नॉट बिकॉज़ ऑफ हिज वजह से ऐसा कुछ नहीं है ही वाज सीनियर एसपी पटना एंड ही वाज वेरी हाई प्रोफाइल ऑफिसर देयर इज नो डाउट अबाउट इट ही वाज वेरी पॉपुलर दोस रखा था एक घंटा अलग से टाइम एनी स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी इन पटना विद इन हिज जुरिशीजन एनी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू मीट हिम तो ही मीट हिम विदाउट एनी रेफरेंस तो एक घंटा उसके लिए उन्होंने टाइम रखा था तो आई मीट हिम तो हमको बड़ा अच्छा एक फैसिनेटिंग लगा उस समय छोटी उम्र थी तो एक मन में विचार आया कि आई सो बिकम आई पी ऑफिसर और देखो हमको एक फकीर ने बोल दिया था यू है तो उस नाते भी मेरे मन में था कि मैं आई पी ऑफिसर हो सकता हूं तो मैं हो भी गया तो एक ये बात होगी यहाँ तक स्पिरिचुअल जर्नी की बात है उसमें उसी साधु जिसकी मैं चर्चा करता रहा हूं ये बात मैं खोलना नहीं चाहता था उन्हीं के चलते मैं इस आध्यात्मिक यात्रा को चुना क्यों उन्होंने ये बात मुझको कही है इसी शरीर से तुमको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे ये बात मैंने आज तक नहीं बोली है आपको बोल रहा हूँ पल्लवी उसी संत ने हमको कहा है इसी शरीर से इसी जन्म में तुमको एक दिन मृत्यु के पहले निश्चित रूप से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे तो उन्हीं की बाणी को सच मान करके अपना संपूर्ण छोड़ करके अब मेरा कोई शत्रु नहीं किसी के को प्रति कोई दुराव नहीं गाली देने वाले के प्रति भी कोई अमंगल की भावना नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ करके और ठाकुर का नाम और ठाकुर का ध्यान और इसी उम्मीद में कि एक दिन ठाकुर की कृपा बरसे और उसके दर्शन हो बस इसी में हम अपने जीवन को काट रहे हैं

तो हमारा पहले से तैयार है जैसे अकाली के पूरे संस्कृत लिटरेचर को मैंने पढ़ लिया था वेदा को पढ़ लिया था ऋग्वेद को पढ़ लिया था मैंने दर्शन को पढ़ लिया था वेदांत का थोड़ा एक्सपोजर हो गया था मीमांसा का सांख्य का न्याय का का हो गया था और बेसिक संस्कृत जानने के कारण हमको श्लोक बोलने में पढ़ने में उसका अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं गीता पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं तो ये सारी चीजें जितने भी हमारे जो सनातन साहित्य है वो सनातन साहित्य से मेरा एक जुड़ाव हो गया था विद्वान में नहीं हूं लेकिन मेरा एक परिचय मेरा संबंध मेरा एक जुड़ाव ये सनातन साहित्य से हो गया था और ये बहुत बड़ी एक नीव मेरी तैयार हो गई थी और शायद इसीलिए मैं आज भागवत कर पाता हूँ नहीं तो नहीं कर पाता कोई नहीं कर पाएगा हम भी नहीं कर पाते और सर कोई बुक जैसे आपने बताया कि मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल स्पिरिचुअल हां बट गीता गीता एंड रामचरितमानस देखो दो चीजें हमको बहुत जीवन में प्रभाव डाली है गीता और रामचरितमानस और एक है पतंजलि योग दर्शन और एक तरह से कहो तो मानस में श्रीरामचरितमानस में तो सारी चीजों का इतना सुंदर संगम बना दिया नाना पुराण निगमागम गम समतम जद्रामायडी निगतम कचि नन्यतोपी तुलसीदास कहते हैं सारे शास्त्रों के निचोड़ को मैंने रख दिया है में देखो हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रंथ है वो वो इसलिए है कि गीता किसके लिए कही गई भगवान ने कहा वो साधकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं कहीं किताब में नहीं मिलेगी और कहीं दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलेगी ये आपके माध्यम से आपके लोग या मुझे चाहने वाले लोग जो इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे सुनेंगे वो जान पाएंगे गीता एक प्रारंभिक स्तर के साधक की शंकाओं के समाधान के लिए श्री भगवान श्री कृष्ण के मुख से महाभारत की युद्ध भूमि में निकली निशरित हुई अर्जुन को प्रारंभिक स्तर के साधक के रूप में उपस्थापित किया गया क्योंकि अब महाभारत होने वाला है युद्ध शुरू होने वाला है रणभेरी बच चुकी है और गांडी फेंक दिया बोला हम नहीं लड़ेंगे अपने मामा चाचा काका फूपा गुरु ये द्रोण ये सब इनको मार करके हम सत्ता सिंहासन लेकर क्या करेंगे तो भगवान ने कहा सुन तू क्या मारेगा इनको ये तो मिट्टी के शरीर हैं ये तो नहीं मारेगा तब भी मर जाएंगे लेकिन इनके भीतर जो आत्मा है उसको तू मार नहीं सकता तू कौन होता है मारने वाला आत्मा को उपदेश दिया ये शरीर नहीं है आत्मा है आत्मा अजर है अमर है शाश्वत है अछेद है अदाह है आत्मा का नाश कभी नहीं होता ये उपदेश देना पड़ा लेकिन एक साधक के प्रश्न के लिए समाधान के लिए गीता का प्रकाशन हुआ भगवान के मुंह से लेकिन रामचरित मानस का जो प्रकाशन हुआ वो शिव जी ने किया रचमहेश ने जो मानस का पाई सुसमय शिवासन भाग शिव जी ने रामचरित मानस का प्रकाशन किया मतलब रचना की और पार्वती जी को सुनाया और तुलसीदास तो केवल उसका संपादन करने वाले संपादक हैं रचने वाले इसको शिव जी हैं और ये साधक की शंका के समाधान के लिए नहीं है ये गीता साधक के शंका के समाधान के लिए लेकिन श्री राम मानस सिद्धों की शंकाओं के समाधान के लिए कही गई सिद्धों को भी शंका होती है नहीं? ब्रह्म जो व्यापक अकल अनिह वेद सो कि देरी हो जा हो नजानत वेद निर्गुण निराकार सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहने वाला भगवान सगुण साकार होकर साढ़े तीन हाथ के शरीर में मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है क्या अवतार होता है क्या ये निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे हो जाता है तो ये जो प्रश्न है ये सिद्ध का प्रश्न है ये सिद्ध की शंका है कि निर्गुण सगुण भी होता है क्या अब सती जी की ये शंका है वो शिव से कह रही तो देखो आ, आ, सतीजी ये नहीं सतीजी को ये नहीं बताना की जरूरत है कि आत्मा अजर है अमर है आत्मा का नाश नहीं होता ये प्रारंभिक स्तर के साधकों वाली शंका नहीं है ये सब उनको मालूम है वो सिद्ध की शंका है सदी की शंका सिद्ध की शंका है कि निराकार जो सृष्टि के कणकण में व्याप्त है वो आदमी के शरीर में साढ़े तीन हाथ के शरीर में भगवान आ जाता है भगवान अवतार ले लेता है सिद्धों की शंका के समाधान के लिए श्री रामचरित मानस का निर्माण हुआ तो इस मानस ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है इसलिए सबको मैं कहता हूं कि इस रामचरित मानस को पढ़ना चाहिए इससे बहुत उनके चेतना मुक्त कर साएगा सर आखिर में जैसे यू वे आपने बोले मतलब आपका घर परिवार सारी जिम्मेदारियां निभाई यू ज्वाइन आईपीएस डीजीपी बने सब कुछ किया एंड देन यू चूज कि ये ही सही समय होता है uh, आयु को सौ वर्ष की मानी गई है कि अगर आदमी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए संयम के साथ अगर उसके आहार विहार और भोजन में संयम रहे तो आदमी को सौ साल जीना चाहिए कलयुग में सौ साल आयु मनुष्य की बताई गई है पच्चीस साल को कहा गया है वो वो ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी का आश्रम पढ़ने वाला शिक्षा प्राप्त करने वाला उसके आगे 25 साल गृहस्थ आश्रम 50 साल तक गृहस्थ में उसके बाद अगला 25 50 से 75 तक आश्रम मतलब कि अब गृहस्थी से मुंह त्याग करके सारी जिम्मेवार अपने पुत्र को पंजनों को दे करके और भजन का अभ्यास करने का समय है और पचहत्तर के बाद को संन्यास कहा गया तो हमारे शास्त्रों ने भी यही बताया कि पहले अपने गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व जो है उसको पूरा कर लो उसके बाद धीरे धीरे में सन्यास का अभ्यास होता है और उसके बाद संन्यास ले लो तो लेकिन शुरू से बच्चों को यह संस्कार देना चाहिए ये वैल्यू जो है मूल्य जो है बिलीफ सिस्टम जो है एथिक्स जो है वो अचानक नहीं आ जाएंगे कि पचास साल तक आप चोरी करिएगा डकैती करिएगा खून करिएगा कर करिएगा झूठ बोलिएगा प्रपंच करिएगा और अचानक आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा ऐसा नहीं होगा तो जीवन में सादगी आए सरलता आए और जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम निष्ठा बनी रहे और सनातन के प्रति आप मैंने आपके अंदर एक पवित्र भाव बना रहे कि इसी से मेरा कल्याण होगा तो आस्तिकता की लौ जलती रही रहनी चाहिए उसको जलाए रखना चाहिए लेकिन घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कुशलता से गृहस्थ जीवन का निर्वाह करके धीरे धीरे बानप्रस्था संन्यास का अभ्यास करना चाहिए। तो आप सर अभी सन्यास का अभ्यास कर रहे हैं या आपने आपको पूरा पूर्ण सन्यासी मान हम पूरी तरह से बान प्रस्थि हो गए हैं अच्छा। मतलब बान का मतलब हुआ कि गृहस्थ जीवन के सारे उत्तरदायित्वों से हम अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं अब मेरा कोई भी सांसारिक उत्तरदायित्व तो नहीं है अब मुझे कुछ नहीं करना है संसार के लिए कुछ नहीं करना है बेटा के लिए बेटी के लिए पत्नी के लिए भाई के लिए माई के लिए रिश्तेदार कुछ भी नहीं करना है सारे सांसारिक दायित्वों से हम अलग हो गए हैं ये बाधप्रस्थी का मतलब होता है कि अपना घर छोड़ करके और गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के भगवान की साधना का नाम जप का अभ्यास करना वही मेरा फेद चल रहा है और कायदे से तो पचहत्तर साल तक बांध में रहने के बाद संन्यास लेना चाहिए लेकिन मेरी स्थिति में इतना लंबा नहीं जाएगा हो सकता है कि पांच साल के अंदर मैं पूरी तरह से मौन होकर के हिमालय में जाकर के गुप्त हो जाऊंगा देखो रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं मैं इसको पूरा देश सुनेगा ये जो सोशल मीडिया है इंटरव्यू देना है अपना प्रचार करना है घूम घूम भुं करके पूरी दुनिया में कथा करना है ये भी रजोगुणी काम है इससे रजोगुण का प्रचंड उत्कर्ष जगह जगह जाओगे मान होगा सम्मान होगा आपकी आरती उतरेगी और आपके शिष्यों की संख्या बढ़ती जाएगी ये 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 आपके आध्यात्मिक विकास में अवरोध है इससे बचना चाहिए इस मान से जस से इसके आकर्षण से इससे भी बचना चाहिए तो धीरे धीरे मैं मुझे मुझे नहीं लगता है पांच साल के बाद में संसार के किसी काम लायक रह जाऊंगा बस एक जगह एकांत कहीं भी एकांत जगह में होकर के स्थिर पूरी दुनिया से छुप करके मैं केवल और केवल भगवान का रहूंगा भगवान के लिए जीऊंगा भगवान के लिए मरूंगा यही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है अब ये ना पूछना कि फिर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे ये हर इंटरव्यू के बाद कोई ना कोई पूछता है <laughs> फिर कभी मेरी राजनीति में जाने की संभावना अब नहीं हाँ। कभी भी हाँ। नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ता हाँ। आपने सर बोल ही दिया कि आप अगला जो आपका पड़ाव है वो है पूर्णतया सन्यासी होना तो मैं उसी नोट पर खत्म कर रही हूँ हमारी बातचीत को थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया